जी तो दोस्तों, वेंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपस से मुस्कुराते रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक टोयोटा करोला XLi जो कन्वर्टेड है GLi में और होम यूज़ कार है, 2007 का मॉडल है। इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी जो है ना वो नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी गाड़ी है, जैसा कि यहाँ पर आप इसकी पिक्चर्स अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, इसकी डिटेल लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाजमी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करता हूं। सो दोस्तों, ये है टोयोटा करोला XLi जो कि मेरे ख्याल से GLi में कन्वर्टेड है, 2007 का मॉडल है, और ओनर के मुताबिक जो गाड़ी ने अपनी माइलेज कम्प्लीट किया वो 1,85,000 किलोमीटर टोटल ड्राइवन है। फ्यूल कंजप्शन इसकी पेट्रोल है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे गाड़ी के कंप्लीट है। आउटर साइड जो है वो इसकी जो है ना वो आपको बताता हूँ, एक दो पीस टचअप्स वगैरह की वजह से थोड़े बहुत इसको शोवर करवाया, लेकिन सारी गाड़ी शोवर नहीं है, और एक दो पीस जो माइनर टचअप्स वगैरह जारी बात है हर गाड़ी में होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर फ्रंट से आप देख सकते हैं, लेकिन शोवर नहीं करवाई हुई। और रूम एंड कंडीशन जो है ना वो 100% गुड है, सील टू सील जेन्युइन है। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, मैं आपको डैशबोर्ड की कंडीशन यहाँ पर आप दिखा देता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है और साफ़ सुथरी गाड़ी है। पोशर्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर नीट एंड क्लीन है। गियर ट्रांसमिशन और ओवरऑल जो डैशबोर्ड की कंडीशन है वो इंतहाई साफ़ सुथरी है, क्योंकि गाड़ी में जो मोस्टली डैशबोर्ड की कंडीशन इतनी साफ़ नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई मसला नहीं है। इंजन की कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सील टू सील जेन्युइन इंजन है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बैटरी वगैरह इसके अंदर न्यू इंस्टॉल्ड है, और इंजन सस्पेंशन 100% परफेक्ट है, न्यू टायर्स इंस्टॉल्ड हैं, और गाड़ी की यहाँ से आप डोर्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर न्यू टायर्स और न्यू अलॉय रिम्स इंस्टॉल्ड हैं जो काफ़ी खूबसूरत है दिखने में, और नंबर प्लेट दो कंप्लीट अवेलेबल हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे क्लियर हैं, CPCL इस गाड़ी का क्लियर है, और गाड़ी चलान की 0 मीटर है, मतलब कि बिल्कुल चलने में 0 मीटर है, और यहाँ से आप बैक लुक देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। इसकी जो डिमांड है दोस्तों वो है 12 लाख रुपए ओनर ने डिमांड रखी है, कमी पेशी हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके ओनर के साथ रब्ता करके अपने मामला तय कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।